गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं सुजॉय चौरसिया आज ऑन द 8th डे ऑफ द लॉकडाउन फ्रॉम इंडिया। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा, वी आर ऑल अंडरगोइंग अ ब्लैक स्वान इवेंट। ब्लैक स्वान इवेंट इज बेसिकली एन इवेंट विच चेंजेस द वर्ल्ड फॉर एवर। वी आर ऑल अंडरगोइंग अ वेरी वेरी सीरियस पैंडेमिक कॉज्ड बाय कोरोना वायरस फ्रॉम चाइना, वुहान। In this situation in India, we have already been under a lockdown for 21 days. हमें 21 दिन के लॉकडाउन में रखा गया है, ये हमारी सेहत के लिए रखा गया है। लेकिन इसकी वजह से, चाहे हम एक बिजनेसमैन हो, चाहे एक एम्प्लॉयड सैलरीड पर्सन हो या गवर्नमेंट ऑफिसेज में हो, ये याद रखिए कि आगे आने वाले समय में ये आपके ऊपर फाइनेंशियली बहुत ही गहरा इम्पैक्ट करने वाला है। इट इज गोइंग टू हैव अ वेरी डीप फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑन योर इनकम earnings. For those who are in government, they are in safe job, they need not worry about it. But उनके ऊपर pressure है, अगर वो healthcare से हैं, तो apparently pressure उनके ऊपर इस पूरी लड़ाई में एकदम as a front line warrior का रहेगा. But apart from that, if you are part of the generation, if you are part of the population which is right now being locked down and inside your house, it is very very important to know how to plan the survival in this lockdown. Kindly note, ये लॉकडाउन सिर्फ 21 दिन के बाद खत्म हो जाएगा कि नहीं, ये बताना आज की तारीख में बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके बाद भी जब ये लॉकडाउन खुलेगा, हमारी इकोनॉमी पे काफी गहरा असर हो चुका होगा। क्या आपने एज अ बिजनेसमैन, क्या आपने एज अ सैलरीड पर्सन अपनी ये प्लानिंग की है कि आप ये सर्वाइवल कैसे कर सकते हैं? ये वीडियो एक 7-point गाइडलाइन है, how to survive this lockdown, and it is very very important that all of the people who are watching this video need to plan their entire lives, whether they are in business or in employment, for the next 3 to 6 months. 6 months main isliye bol raha hu kyunki iska asar aur economy ko khulne ke liye kam se kam 6 mahine lag jayenge, zyada time bhi lag sakta hai. What are the 7 critical key things that you need to do as far as surviving beyond this lockdown is concerned? मैं एक एक करके आपको अब बताना चालू करूंगा। सबसे पहली बात, प्लीज ट्राई एंड गेट योर कॉस्ट इन कंट्रोल। रिड्यूस कंट्रोल ऑल द पॉसिबल कॉस्ट दैट आर फिजिबल इन योर हैंड्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि आप अपनी ईएमआईस 31 मई तक डिफर कर सकते हैं। ये बिना टर्म्स एंड कंडीशंस के नहीं आएगी। जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक्स हैं, उनके लिए कमाई का जरिया है और एकमात्र कमाई का जरिया है, वो इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। दे आर गोइंग टू गिव इट विद राइडर्स। देर आर प्लेसेस एंड इंस्टेंसेस वेयर दिस हैज बीन पोस्टपोन्ड। जहां पे पोस्टपोन्ड हुआ है, वो राइडर्स या तो कॉस्ट के साथ आता है या एडिशनल ईएमआई के साथ आता है। लेकिन अगर आपको वाकई में कैश फ्लो की प्रॉब्लम है, तो आप इसे डेफर जरूर कर सकते हैं। आपकी सेकेंड पॉइंट है कि आप अगर रेंटेड प्रीमाइसेस या ऑफिसेस में रह रहे हैं, शर्माइए मत, अपने ओनर से जाके बात कीजिए। प्लीज गो एंड स्पीक टू योर ओनर्स, वेदर दिस कैन बी डिफर्ड, वेदर इट कैन बी रिड्यूस। प्लीज नोट, द इकोनॉमी इज गोइंग थ्रू अ वेरी वेरी सीवियर स्ट्रेन और आगे चल के कुछ टाइम लगेगा इसे ऊपर आने के लिए। जो भी समझदार लैंडलॉर्ड हैं, वो इस बात को समझेंगे और इसे आपको मदद करेंगे, अगर उनकी आपके साथ टर्म्स अच्छी है। अगर ऐसा नहीं है, तो ऑल्टरनेट ढूंढना चालू कर दीजिए। Coming down to business people, if you have salaried employees, it should be your last alternative to check them out. Don't do that unless and until आपको वाकई में कैश की दिक्कत है। आप उनके साथ खुले दिल से बात कीजिए, कोशिश कीजिए उनको रिटेन करने का। लेकिन जितने एंट्री लेवल जॉब्स हैं, जैसे कि ड्राइवर्स हो गए, मेड्स हो गए, ये आपकी बेसिक नेसेसिटी की रिक्वायरमेंट है, इन्हें आपको हर हाल में रिटेन करना चाहिए। इसके बाद आपका ट्रैवल कॉस्ट आ गया। आज की तारीख में आपने लॉकडाउन में देख ही लिया होगा कि आपकी ट्रैवल कॉस्ट एटलीस्ट ऑफिस की आने जाने की तो रुक चुकी है, आपके इंटर स्टेट और इंटरनेशनल ट्रैवल भी रुक चुकी है, और आने वाले काफी टाइम तक ये दोबारा बढ़ने वाली नहीं है। इसलिए इसको नीचे ही रखिए। ऐसे बहुत सारे टूल्स, वीडियोज, मैकेनिज्म्स, नेट कनेक्टिविटी के द्वारा पॉसिबल हो गए हैं कि आप अपनी मीटिंग्स अपने घर के कंफर्ट में से ही कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस इसमें सस्टेन करता है, तो इसको यूटिलाइज कीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑन कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स, प्लीज रिड्यूस ऑल योर आउटिंग्स, योर एंटरटेनमेंट, स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम योर होम। आने वाले काफी समय तक ये आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। मैं 6th point is invest on yourself, start learning online courses। अगर अभी तक नहीं किया है, आप अगर एक businessman हैं,
तो प्लीज गो एंड लुक आउट फॉर ऑल पॉसिबल वीडियोस दैट यू कैन डू फ्रॉम फ्री वीडियोस। मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा के फ्री कोर्स में एनरोल कर चुका हूँ, इसको छोड़ के मैं सिद्धार्थ राजशेखर के कोर्स भी कर रहा हूँ। लुक फॉर ऑल्टरनेट वेज एंड मीन्स एंड एवेन्यूज वेर यू कैन स्टार्ट मेकिंग बिजनेसेस। रिसर्च रिसर्च रिसर्च, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया का बिजनेस करने का स्टाइल बदलने वाला है, आज नहीं बदलोगे तो आप लिटरली एक्सटिंक्ट हो जाओगे एक डायनासोर की तरह। इसके लास्ट में मैं ये बताऊंगा कि अब आपको 3 से 6 महीने के अपनी फाइनेंशियल्स देखनी है, आपके रिसोर्सेज जो आपके पास है, वो आपकी सैलरी अगर आपको आ रही है, अगर आपके ऑल्टरनेट इनकम्स लेवल्स है, स्टडी स्ट्रीम है, तो बहुत अच्छी बात है, आप सेफ हैं। अगर नहीं है तो स्टार्ट लुकिंग फॉर ऑल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर विच विल हेल्प यू सपोर्ट इन ओवरकमिंग दिस पीरियड ऑफ 3 to 6 months। Your bank balances, your FDs, don't touch your mutual funds or stocks. Their value is very bad. They are not going to give you much of returns immediately. Retain them. Look at gold. हिंदुस्तान के परिवार में हर फैमिली में थोड़ा बहुत गोल्ड होता है, गोल्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा कम नहीं आएगी। यूटिलाइज इट इफ यू फाइंड दैट ऑल अदर मीन्स हैव बीन एग्जॉस्टेड ऑन फाइनेंशियल्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक गवर्नमेंट विल कम आउट विद सपोर्ट। It will take some time, but yes, they are also thinking about you. They are not allowing you to die on the streets. They will take some time, but they will get back to the solutions. Take care of your immediate seniors, elders in your family. They need your best support at the time, and take care of your kids because they are also undergoing severe stress while they are at home. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए, अगर आपके पास अच्छे सजेशंस हैं वो भी शेयर कीजिए। मैं वीडियोस आपको आपके पास लाता रहूंगा। मेरी अगली वीडियो आने वाली इस बात पे होगी कि आप ऑनलाइन में क्या क्या ऑल्टरनेट इनकम स्कीम्स ढूंढ सकते हैं। थैंक यू।